फिर ये अटकलें लग रही हैं कि चीन को पहले से यूक्रेन युद्ध की तारीख का पता था। असल में ब्रिटेन के मीडिया में साइबर हमले पर एक खबर छापी गई जिसमें चीन से भी यूक्रेन युद्ध की साजिश रची जाने की आशंका जताई गई। कहा गया कि रूस के हमले से ठीक एक दिन पहले यानी 23 फरवरी से चीन के हैकरों ने यूक्रेन की कई वेबसाइटों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। इसी के बाद ये अटकलें शुरू हो गईं कि क्या चीन को रूसी हमले की जानकारी पहले से थी, क्या बीजिंग से भी साजिश का बटन दबाया गया था। ब्रिटेन की मीडिया को आशंका है कि इस दौरान चीन ने यूक्रेन की जासूसी करने की कोशिश की ताकि व्लादिमीर पुतिन के प्लान में जिनपिंग सरकार मदद कर सके। हालांकि चीन ने इस तरह के किसी भी साइबर हमले से इनकार किया है, लेकिन फिर भी साइबर सुरक्षा से जुड़े कई जानकारों ने दाल में काला होने का शक जताया और इसी वजह से जंग से ठीक पहले हुए इन साइबर हमलों से शक की सुई बीजिंग की तरफ घूम गई।